लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला फ्राई फिश बट बिफोर स्टार्टिंग वीडियो अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें सो so आपको आने वाली अगली तमाम वीडियोस से मिलती रहें। तो यहां ले रहे हैं हम लोग दो किलो मछली और इसके अंदर मैंने वन टेबल स्पून ऑयल वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट शामिल किया है और उसके बाद मैंने एक छोटा पैकेट शान फिश फ्राई मसाले का शामिल किया है इन सब चीजों को शामिल करने के बाद हाथों की मदद से तमाम मसाले को हम मिक्स वेल वेल कर लेंगे और देन इसे हम ओवर मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी लोग मछली का इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में ही क्यों करते हैं जबकि वाफर मेदार के अंदर अमाइनो एंड पाए जाते हैं जिनकी जरूरत हमें सारा साल होती है ये हमारे हार्ट ब्रेन और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद होती है प्लस ये आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग करती है बच्चे बूढ़े जवान हर किस्म के लोग इसको खा सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मछली सिर्फ सर्दियों में ही खाई जा सकती है मछली सारा साल खाई जा सकती है इसको हमारी डेली डाइट का होना चाहिए लेट्स कम बैक रेसिपी तो वन बाय वन हम लोग मछली के पीसेस को एक बाउल के अंदर सेट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको प्लास्टिक रैप चढ़ाकर फ्रिज के अंदर रख देंगे मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो रॉ मीट को मैरिनेशन लगाने के बाद में रूम के ऊपर रख देते हैं जो की हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है क्यूँकी रॉ मीट की शेल्फ लाइफ सबसे कम होती है और ये फॉरन कंटेमिनेट हो जाता है नेक्स्ट आप कभी भी किसी रॉ मीट को मैरिनेशन लगाए तो उसके बाद उसको फ्रिज के अंदर रखें क्योंकि फ्रिज एक प्रोटेक्टिव एरिया है और वो टेम्परेचर मेंटेन रखता है और बैक्टीरिया नहीं होने देता तो यहाँ पर हमने फिश को मैरिनेशन लगा दी है इसको प्लास्टिक रेप चढ़ा दिया है अब हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे सो so देट मैरिनेशन इसके अंदर अच्छी तरह से ऑब्सॉर्व हो जाए A few moments later. After overnight marination के बाद अब हम आते हैं अपने फिश को फ्राई करने की तरह तो फ्राई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक गहरी कड़ाही का इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे एक लीटर ऑयल आप लोग घी और सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक और अहम स्टेप बताता चलूँ ऑयल को अच्छी तरह से हीटअप कर ले ताकि जब आप इसके अंदर मछली डाले तो वो नीचे चिपके ना अब हम वन बाई वन फिश के पीसेस को ऑयल के अंदर शामिल करेंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे इनके गोड़ गोल्डन ब्राउन होने का यूजली ऐसा होता है कि फिश की जो नरम स्किन होती है ऊपर वाली वो जल जाती है जब आप उसकी साइड चेंज करते हैं तो इससे बचने के लिए हम स्पून की मदद से इसकी स्किन के ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि वो भी कुक हो जाए टू डीप ऑयल जाएंग के बाद हो जाएगी हमारी फिश रेडी हम कर लेंगे इसको डिश आउट अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलना और रेसिपी ट्राई करके कॉमेंट सेक्शन में मु� मुझे जरूर बताना दुआओं में याद रखना बाय Thank you